नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएसटी न्यूज लाइव और सच्ची खबर पर आपकी नजर। मैं हूं आपके साथ पिंकी। आई नजर डालते हैं आज की खबर। खबर यूपी के चंदौली से है। बिहार में लोकसभा चुनाव में बड़ी मात्रा में शराब तस्करी के खेल का स्वैट टीम और मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। दरअसल मुगलसराय कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए बिहार में बड़ी मात्रा में शराब की खेप भेजी जा रही है और इसके लिए महंगी लग्जरी गाड़ियों का भी प्रयोग किया जा रहा है। इस सूचना पर मुगलसराय कोतवाली पुलिस और स्वैट टीम कोतवाली क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में नेशनल हाईवे 2 पर घेराबंदी की। इस दौरान स्कोडा कार एवं स्कॉर्पियो और एक टाटा 709 कंटेनर आती दिखाई दी। कंटेनर के आगे दोनों लग्जरी गाड़ियां चल रही थी। टीम ने गाड़ियों को रोकने का इशारा किया तो गाड़ी में सवार तस्कर पुलिस टीम पर फायर झोंक दिए। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर तीनों गाड़ियों को कब्जे में ले लिया। तीनों गाड़ियों में सवार 10 तस्कर पकड़े गए। उनके पास से 3 तमंचा, 5 जिंदा कारतूस, 1 फायर की गई कारतूस का खोखा बरामद हुआ है। मुठभेड़ के दौरान इस अंतरप्रांतीय तस्कर गैंग का सरगना धीरज सिंह भी पकड़ा गया, जो बिहार के दुर्गावती थाना क्षेत्र का निवासी बताया गया। पकड़े गए आरोपियों में 5 बिहार के निवासी हैं, जबकि 3 आगरा के, 1 चंदौली का और 1 हरियाणा का निवासी बताया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चंदौली से हमारे संवाददाता सुजीत तिवारी की रिपोर्ट। चंदौली स्वाट टीम और मुगलसराय की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक बहुत शातिर शराब तस्करों का गिरोह, जिसमें कुल 10 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, ये बंदी बनाया गया है। इनके कब्जे से 3 गाड़ियां हैं, जिसमें एक मिनी ट्रक है, एक स्कोडा है, एक स्कॉर्पियो है, जिसमें भारी मात्रा में लगभग 28 लाख रुपये मूल्य की शराब, जो 2000 लीटर के आसपास है, वो बरामद की गई है। इसमें उल्लेखनीय है कि इनका जो गैंग लीडर धीरज सिंह है, वो बिहार दुर्गावती का रहने वाला है और 5 बार से अधिक शराब तस्करी में जेल जा चुका है अलग अलग थाना क्षेत्रों से। कुल 5 बिहार के अभियुक्त हैं, 1 चंदौली जनपद का है, 3 आगरा जनपद के हैं और 1 हरियाणा का है। इस तरह से ये शराब की तस्करी बड़े पैमाने पर बिहार की तरफ कर रहे थे। पूछताछ में इन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान शराब की मांग बढ़ी है, जिससे इनका प्रॉफिट बढ़ा है, उस वजह से शराब तस्करी में लिप्त है। इनके कब्जे से 3 तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। लगभग 20,000 से अधिक की धनराशि इनकी जमा तलाशी में मिली है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि बड़े गिरोह को अनावृत करने में चंदौली पुलिस को कामयाबी मिली है। किस प्रकार ये करते थे, किस प्रकार बिहार में खराब है, लोगों ने नहीं, ये हरियाणा से अलग अलग साधनों में VIP गाड़ीज में ले करके शराब को चलते थे और अलग बिल्टी बनवाते थे अलग अलग सामानों की, ताकि रास्ते में अगर गाड़ी की चेकिंग हो तो ये समझा जाए कि इसमें दूसरे टाइप का कमोडिटी है और उसमें शराब रख करके बिहार को सप्लाई किया। डॉक्टर साहब, हरियाणा से लेकर चलते थे चंदौली में आके बिहार के बॉर्डर पर आकर पकड़े जाते हैं, क्या बीच में किस प्रकार लाते थे कि बच जाते थे? हम इस तरह का झांसा देते थे, कागज गाड़ी पर जो बिल्टी याद बनवाते थे वो छद्म रूप में बनवाते थे चीटिंग करके, तो उसका लाभ कई जगह इनको मिलता रहा। उनकी गाड़ी पर भी नंबर 2 तरह का लिखा हुआ है। हाँ, ये फर्जी नंबर प्लेट भी लगा के चल रहे थे और इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध हम गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करने जा रहे हैं।